हे भगवान, मैं क्या करूं? अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब तू ही बता मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसे घर गया तो पापा से क्या कहूंगा, मम्मी से क्या कहूंगा? पापा तो ये जानकारी मेरी जान ले लेंगे कि मैं फेल हो गया। आखिर उन्होंने मेरी हर चीज पूरी की, मुझे कभी कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। उन्हें कितनी उम्मीद थी मुझसे, वो मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने मेरी कोचिंग लगवा दी। उन्होंने मुझे हर सुविधा दी, वो तो मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। ऐसे फेल होकर घर जाना तो मेरे लिए नामुमकिन होगा। क्या पता पापा मेरा क्या हाल करेंगे? कभी 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 लाज होते तो कभी गुस्से में वो मुझे बख्शेंगे नहीं। शायद मम्मी मुझे उनसे बचा लेगी, लेकिन कहीं वो भी मुझ पर बरस पड़ी तो मामा दादा के घर भी नहीं जा सकता। अगर वो मुझसे पूछेंगे कि मैं अकेला क्यों आया तो मैं क्या जवाब दूंगा? और फिर कब तक? अरे छोड़ो यार, इससे अच्छा तो घर चले जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। पापा डांटेंगे, डांट खा लूंगा, फिर क्या है, दो चार दिनों में सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरा मर जाने ठीक रहेगा। क्या पता मम्मी पापा कुछ ना भी बोले, लेकिन भैया चुप रहने वाले थोड़ी ना है। कहीं उन्होंने उन्हें भड़का दिया तो भैया की जगह दीदी ने कुछ कह दिया तो वैसे भी मुझसे लड़ती रहती है, और मेरे फेल होने पर भी ज्यादा कुछ वही होगी, और सबसे ज्यादा ताने भी मारेगी। फिर पढ़ूंगा नहीं तो करूंगा क्या? लेकिन ठीक है, घर वालों को जो बोलना है बोले, जो करना है करे। मैं तो साफ साफ कह दूंगा, मैं किसी से डरने वाला थोड़ी हूँ। और भी अगले साल मुझे पास होने से कौन रोक सकता है? अब तू 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, जिससे मेरा और भी फायदा, जिसमें मेरा और भी अच्छा परसेंटेज आ सकता है, और डेफिनेट आएगा।